Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe to my channel and press the bell icon for future notifications. Thank you. Hello students, this is Ritu Sharma और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अपना discuss कर रहे थे previous year का question paper ताकि एक quick revision हो जाए हमारा. और इसके काफ़ी सारे question जो कि मैंने बोला था हम पीछे से attempt करना चाहिए maths का question paper, तो मैंने भी वैसे ही शुरू किया था. तो इसके last से काफ़ी सारे question को हम discuss कर चुके थे, तो अगर आपने वो videos नहीं देखी तो playlist में जाके देख सकते हैं आप. आपको प्री बोर्ड के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप. और अदर भी चैप्टर्स को मैंने वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं मैंने उनको सॉल्व करवाया है, जो कि आपके ऑलरेडी पीछे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. तो क्वेश्चन नंबर क्या किया था हमने लास्ट क्लास में, आई रिमेंबर हमने ये क्वेश्चन नंबर 25 किया था लास्ट क्लास में, जो कि एपी का क्वेश्चन था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, या चैप्टर 5 का हम कह सकते हैं. तो आज की क्लास में इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 24 ये करते हैं. इसने बोला सिद्ध कीजिए एक वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब एक कोई सर्कल है आपका, उसका एक डायमीटर है. प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, एंड ऑफ द डायमीटर का मतलब क्या है, जो आपका व्यास है डायमीटर है वो जहाँ से जा रहा है ना, जहाँ पे उसके एंडिंग पॉइंट है, उससे जो टेंजेंट जा रही है ना किसकी, सर्कल की, आर पैरेलल. ये आपका जहाँ तक मुझे याद है 10.2 का ये फोर्थ क्वेश्चन है, आपका बुक का ही क्वेश्चन है ये. तो इसको देख लेते हैं फटाफट से ये कैसे होता है. आई होप आपको आता होगा, बस हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक टेंजेंट की बात कर रहा है, एक सर्कल की बात कर रहा है और उसके डायमीटर की बात कर रहा है ना. तो इसने बोला, तो यहाँ पे मैंने बना लिया सर्कल ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ये सर्कल बना लिया मैंने. अब इसने बोला इसका डायमीटर, ये डायमीटर ले लिया हमने, डायमीटर का एंड क्या है, यहाँ पे ये क्यू है और ये पी है, दो एंड ले लिए हमने पी और क्यू डायमीटर के. अब इसने बोला क्या, डायमीटर के एंड से जाने वाली टेंजेंट, ये एंड है मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना टेंजेंट का, वो कहाँ होना चाहिए, डायमीटर के एंड पे होना चाहिए. तो एक मैंने ली यहाँ पे जिसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कहाँ पे है, क्यू पे है, और एक हमने कहाँ पे लिया जो टेंजेंट कहाँ पे है, इसका एंडिंग पॉइंट जो है डायमीटर का पी. तो इसी को ये क्या कर रही है, यहीं से टेंजेंट जा रही है. देखो टेंजेंट को कितना भी बड़ा कर लो, लेकिन टेंजेंट का मेन मतलब क्या, जहाँ पे वो इस सर्कल को क्या कर रही है, कॉन्टैक्ट कर रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है. ओके तो अब हमें यही प्रूव करना है यहाँ पे कि जो ए बी है ना वो एक्स वाई के क्या है, पैरेलल है. ओके तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन क्या है, आप बोलोगे इन सर्कल हमने बनाया ना, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा पी क्यू क्या है, डायमीटर है, पी क्यू इज डायमीटर, यानी कि दिया है पी क्यू वृत्त का व्यास है, क्या है, व्यास है. ओके अब उसके बाद एंड और क्या गिवन है हमें, एंड ए बी एंड एक्स वाई, ए बी एंड एक्स वाई आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल एट क्यू एंड पी रिस्पेक्टिवली, ठीक भाई. जो ए बी है वो टेंजेंट है क्यू पर और एक्स वाई है वो टेंजेंट है पी पर, यानी कि अगर हम इसको हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे आप, और ए बी तथा एक्स वाई क्रमशः बिंदु क्यू तथा पी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक. अभी तो ये मैंने गिवन ही लिखा है. अब इस क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है, एक मिनट, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, टू प्रूव है इस क्वेश्चन में, क्या हमारे पास सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, कि जो आपकी ए बी है ना ये पैरेलल है किसके, एक्स वाई के. इसने बोला ना दोनों टेंजेंट क्या हो, ये दोनों टेंजेंट क्या हो, पैरेलल हो. तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है एक्स वाई के. अब अगर आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, वहाँ पे हमने पूरा पढ़ा था कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो वहाँ पे कुछ एंगल्स होते थे, लाइक दिस एंगल इक्वल टू दिस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला. फिर उसके बाद हमने ऐसा भी कुछ पढ़ा था कि दिस एंगल इक्वल टू दिस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर अंत है एकांतर कोण जिसको बोलते थे, तो फिर ये साइड वाला एंगल इसके इक्वल होगा, राइट. तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं, या फिर दो लाइनें हैं कोई भी, हमें नहीं पता वो पैरेलल हैं या नहीं है, पर और उनको जब एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो वहाँ पर ये जो पेयर ऑफ एंगल्स है कुछ उनमें रिलेशन है और वो इक्वल है, तो वो लाइनें क्या होती थी, पैरेलल होती थी.
तो अब हमें यहाँ पे ये तो नहीं गिवन है कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल है, हमें तो प्रूव करना है, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि ये टेंजेंट है, ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट ओ है, ओके, ये रेडियस हो गई इसकी, ये डायमीटर था तो उसका ये सेंटर हो गया, अब ये क्या है, रेडियस है टेंजेंट पे, हमें पता है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे कितना डिग्री एंगल बनाती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, 90 डिग्री एंगल बनाती है, कितना डिग्री बनाती है 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे जो है पी पे ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस है यहाँ पे ये, तो ये कितना डिग्री बनाएगी 90 डिग्री। आप इधर भी ले सकते हैं 90 डिग्री और इधर भी ले सकते हैं, लेकिन इधर लेने से जो बेनिफिट होगा वो मैं बताती हूँ अभी क्या होगा। दोनों साइड ये 90 डिग्री बन रहा है, नो प्रॉब्लम, आप कैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। अब हमें ये प्रूव करना है, तो आप इसको प्रूव कैसे करेंगे, अब आप लिखोगे यहाँ पे प्रूफ, हमने लिखा कि एंगल बी क्यू ओ, कौन सा एंगल, बी क्यू ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी एक्स, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री, तो एंगल बी क्यू ओ, एंगल बी क्यू ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी एक्स, ओ पी एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। और रीजन क्या दोगे आप इसका, थ्योरम 10.1, यानी कि आप लिखोगे वहाँ पे पूरी लाइन कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो आपकी त्रिज्या है वो स्पर्श बिंदु पर इस टेंजेंट पे, यानी स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। आप पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मैंने सिंपली लिख बता दिया आपको कि कहाँ से आया थ्योरम 10.1 से आया। अब इसके बाद हमने यही पढ़ा था ना भाई, एक बार फिर से देख लो, हमने 10.1 में क्या पढ़ा था कि अगर एक सर्कल है और उसकी कोई टेंजेंट है और मैं यहाँ से अगर रेडियस ड्रॉन करूँ, तो ये जो टेंजेंट होती है ये रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये रेडियस इसलिए परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बनेगा, और ये भी रेडियस है टेंजेंट पे, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक। अब ये देखो ये लाइन हो गई और ये किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन रहे, एक इधर एक लाइन के इधर और एक लाइन के इधर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, और दोनों ही एंगल क्या है, इक्वल है 90 डिग्री के, तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो सिंपली हमें बस यहाँ पे यही लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि ऑल्सो, अब हमने ये तो बोल दिया कि दोनों एंगल इक्वल है, ऑल्सो दीज आर दी पेयर ऑफ, दीज आर दी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि साथ ही ये दोनों अंत एकांतर कोणों के युग्म है, क्या है ये, अंत एकांतर कोणों के युग्म है, हैंस हमें क्या प्रूव करना था, ए बी पैरेलल एक्स वाई, हैंस या अतः जो आपकी ए बी है वो पैरेलल है एक्स वाई के, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें थोड़ा सा लिखना ज़्यादा था, हमें मैथमेटिकल कम प्रूव करना था बस, मतलब इसमें थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें एक और करके भी पार्ट दिया हुआ है। देखो एग्ज़ाम में हमें कोई एक ही पार्ट करना है, लेकिन मैं आपको दोनों इसलिए कर आ रही हूँ ताकि आपको जो इजी लगे एग्जाम में आप वही कर सकते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, मे बी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, ओके। तो फर्स्ट वाला ये हमने कर लिया, और वाला अब सेकंड वाला करते हैं। इसने बोला सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब होती है, यानी प्रूव दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल, जो टेंजेंट है सर्कल की इस परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, जो रेडियस होती है उसके ऊपर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो अभी मैंने यहाँ पे समझाया था ना कि जो सर्कल है ये टेंजेंट है, तो रेडियस इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये थ्योरम 10.1 है, इसमें हमें थ्योरम 10.1 को ही प्रूव करना है यहाँ पे, ओके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन लिख लिया हमने कि हमें प्रूव करना है एक सर्कल है, एक वृत्त है, और जो उसकी स्पर्श रेखा है वो क्या होगी, रेडियस पर। अब हमें ये तो मैंने क्या बना ली, एक टेंजेंट बना ली, इसको पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या, पी, ओके। अब रेडियस की बात हो रही है, तो इसको ज्वाइन कर लो यहाँ पे, ये रेडियस आ गई आपकी, और इसने यही बोला है कि ये जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या पर क्या है, रेडियस पर क्या है, लंब होती है कहाँ पर, स्पर्श बिंदु पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, और हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ये हो गया इसका सेंटर। तो थ्योरम में अगेन लिखोगे आप कि गिवन क्या है, इन
सर्कल, ये जो सर्कल है आपका, इसमें एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इज टेंजेंट एट पी। मतलब दिया है हमें क्वेश्चन के अंदर, दिया है कि वृत्त में एक्स वाई बिंदु पी पर, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। क्या है ये, स्पर्श रेखा है। ओके, हमने लिख लिया, ये गिवन है। अब टू प्रूव क्या है हमारा यहाँ पे, जो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पे क्या, कि ये जो ओपी है, रेडियस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। तो हमें प्रूव करना है ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यानी ओपी एक्स वाई पर क्या है, लंब है। कितना डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, ये मत बना देना पहले से, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ये है नहीं है 90 डिग्री, हमें ऐसा प्रूव करना है, क्योंकि ये थ्योरम है अपने आप में। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रूफ, और प्रूफ को हम क्या बोलते हैं, प्रमाण या उत्पत्ति। अब ये पूरी थ्योरेटिकल थ्योरम है, ओके, इसमें हमें बस लिखना ही है। सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, कोई और पॉइंट अदर देन पी, मतलब कि पी के अलावा एक्स वाई पर कोई बिंदु क्यू लिया, कौन सा पॉइंट लिया, क्यू लिया हम लोगों ने, ठीक। तो मैं बोल रही हूँ कि वो पॉइंट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया क्यू, और क्या किया, एंड जॉइन, दिख ही नहीं रहा, एंड जॉइन ओ टू क्यू, मतलब और ओ को क्यू से मिलाया, मिला दिया हमने, ये मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ, हमने क्यू पॉइंट लिया, इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अब ये रेडियस है, और जो पॉइंट क्यू है आपका, वो क्या है, सर्कल के बाहर है, ये क्या है, सर्कल के बाहर है। अब वो पॉइंट क्यू मैंने इतनी दूर लिया, आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, वो पॉइंट क्या होगा, पी के अलावा है अगर वो कोई पॉइंट, तो वो टेंजेंट पे है अगर, तो वो क्या होगा, क्यू के बाहर होगा, क्योंकि अगर उसको मैंने अंदर ले लिया तो वो लाइन फिर ऐसे जाएगी, और वो आपकी क्या बन जाएगी, सेकेंड बन जाएगी, वो टेंजेंट तो रहेगी नहीं, अगर वो पॉइंट टेंजेंट पे ही है ना, आपका जो टेंजेंट जा रही है पी से होकर, तो वो पॉइंट क्या है आपका, हमेशा क्या होगा, सर्कल के बाहर होगा। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, अब देखो ये यहाँ तक डिस्टेंस, ये यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी हमारी। अब ये जैसे सर्कल के बाहर गया, तो ये रेडियस से बड़ी होगी, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है OQ आपकी, वो OP से क्या होगी, बड़ी होगी। देयरफोर आपने बोला, देयरफोर OQ जो है ना, वो OP से क्या है, ज़्यादा है। OQ क्या है, OP से ज़्यादा है। अब ऐसा सारे पॉइंट्स के लिए होगा, क्यों, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि जो ओ पॉइंट क्यू, अगर आप टेंजेंट से बाहर कोई पॉइंट ले, टेंजेंट पे कोई पॉइंट ले रहे हो, तो वो क्या होगा, हमेशा पी के अलावा सर्कल से बाहर ही होगा, और वो जो भी डिस्टेंस आएगी यहाँ पे, वो क्या होगी, ओपी से ज़्यादा ही आएगी। तो आप यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ओपी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओपी क्या है यहाँ पे, सबसे स्मॉलेस्ट या छोटी दूरी है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सिंस ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी OP की दूरी सबसे कम है। अब 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी वहाँ पे, कि अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस तरीके से एक लाइन है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, और उससे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, और एक अनदर पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, इस तरीके से हमने एक लाइन किया, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी ना, वो सबसे छोटी होती थी, वो क्या होती थी, सबसे छोटी होती थी। अगर मैं यहाँ पे भी एक लाइन ले लूँ, ये भी क्या है, इससे बड़ी है, अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो सबसे क्या होगी, छोटी होगी, अदरवाइज बाकी सारी उससे क्या होंगी, बड़ी होंगी। आप कितना भी क्लोज ले लो इसको, ये मैंने परपेंडिकुलर लिया यहाँ पे, और एक दूसरा पॉइंट कोई यहाँ ले लिया, तब भी ये वाली लाइन जो होगी ना, वो इस परपेंडिकुलर से क्या है, बड़ी है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, कि ओपी की दूरी सबसे कम है, ओपी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है यहाँ पे, हैंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यानी कि अतः ओ पी एक्स वाई पर लंब है, हैंस प्रूव्ड, और अतः क्या हो गया हमारा ये। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।